हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फोस एकेडमी। आज हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में वो सेंटेंसेस आते हैं जिसके अंदर किसी भी एक्शन का जारी रहना होता है, यानी कि प्रेजेंट के टाइम में कोई एक्शन जो चल रहा हो, ऐसे वाले सेंटेंसेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आते हैं। चलिए देख लेते हैं इसका फॉर्मेट क्या होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान यानी कि अभी, कंटिन्यूअस का मतलब जारी, और टेंस आपको पता ही है समय, यानी कि प्रेजेंट में एक ऐसा एक्शन जो जारी हो। इसका एफर्मेटिव में एफर्मेटिव यानी कि सिंपल, इसमें जो फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, ये हेल्पिंग वर्ब है। प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगाया जाएगा, ये मेन वर्ब है। प्लस ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट की बात करते हैं। तो सब्जेक्ट, जैसा कि आपको मालूम है, सब्जेक्ट्स सबसे पहले आई वी यू दे ही शी इट और नेम, ये सब्जेक्ट्स हमारे पास हैं। हमें मालूम है कि ये वाला जो ग्रुप है, ही शी इट और नेम वाला, ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स का ग्रुप है, तो हम इसको लिखते हैं सिंगुलर। और वी यू दे ये सारे प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, इसलिए हम इसको लिखेंगे प्लूरल। अब हमारे पास बचता है आई। आई के साथ हम देखेंगे कि हमेशा एम का यूज़ किया जाएगा। आई के साथ हमेशा एम का यूज़ किया जाएगा, जबकि जो प्लूरल सब्जेक्ट है इनके साथ हमेशा आर का यूज़ किया जाएगा, ए आर ई आर। और सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हमेशा इज़ का यूज़ किया जाएगा। तो इस तरह ये हेल्पिंग वर्ब्स सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें यूज़ करनी है। अब हम फॉर्मेट में चलते हैं, फिर से देखते हैं एक बार फॉर्मेट को। सबसे पहले सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट ये हमारे पास है, इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे इज एम आर। अगर आई है तो एम का यूज़ करेंगे, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर का यूज़ करेंगे, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम उसके साथ इज हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। इसके बाद हमारी मेन वर्ब आती है। मेन वर्ब में सभी सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ किया जाएगा, और फिर आता है ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे आई एम रीडिंग ए बुक, इसमें हम देख सकते हैं सब्जेक्ट हमारे पास आई है और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम का यूज़ हमने यहाँ पर कर लिया। आई एम रीडिंग, रीडिंग यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, रीड फर्स्ट फॉर्म है और इसके साथ आई एन जी लग गया, रीडिंग ए बुक और फुल स्टॉप। तो इस तरह सेंटेंस पूरा हुआ। इसका मीनिंग होता है मैं किताब पढ़ रहा हूँ,
आई एम रीडिंग ए बुक, यानी कि सेंटेंस में प्रेजेंट में सेंटेंस है और एक्शन जो कि रीड है आई एन जी लगा है, रीडिंग बन गया, एक्शन अभी कंटिन्यूअस है, जारी है, चल रहा है। इसी तरह वी आर गोइंग बाय कार, इसमें हम देख रहे हैं सब्जेक्ट हमारे पास वी है, वी प्लूरल ग्रुप का सब्जेक्ट है और हमने इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर का यूज किया है, ये है हेल्पिंग वर्ब आर। वी आर गोइंग बाय कार, इसका मतलब होता है हम कार से जा रहे हैं, इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, शी, शी इज कुकिंग द फूड, इसका मतलब होता है वह खाना पका रही है। इस सेंटेंस में हम देखते हैं सब्जेक्ट हमारे पास शी है जो कि सिंगुलर ग्रुप का सब्जेक्ट है, उसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब इज का यूज किया है, ये इज का यूज किया है। तो इस तरह हमने एक एक एग्जांपल देख लिया आई का, एक प्लूरल ग्रुप का और एक सिंगुलर ग्रुप का। अब इसमें फिर से मैं आपको याद दिला दूं जो याद रखने वाली विशेष बात है, एस का यूज, यानी कि सब्जेक्ट में एस आता है और सिंगुलर में एस आता है, सिंगुलर ग्रुप कौन सा है, शी वाला ग्रुप, इसमें भी एस आता है और इसके साथ जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे इज, उसमें भी एस आता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जो एस है वो हमें हेल्प करता है हमें हेल्पिंग वर्ब को सिलेक्ट करने में। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर ग्रुप से है यानी कि ही, शी, इट या नेम है, तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब इज का यूज करेंगे, आई के साथ एम का यूज करेंगे और बाकी जो प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हम आर का यूज करेंगे। तो इस तरह ये एफर्मेटिव यानी कि सिंपल सेंटेंसेस का फॉर्मेट कंप्लीट होता है और इसके एग्जांपल आप ध्यान से देख सकते हैं, समझ लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम इसके बाद आगे पढ़ेंगे, अगला जो होगा वो एफर्मेटिव के बाद आता है नेगेटिव। तो अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव यानी कि जिसके अंदर नोट आता है, इसका फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, सॉरी, प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। इस फॉर्मेट में आप देख सकते हैं सब्जेक्ट सबसे पहले है, उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट आता है, फिर आता है हमारा मेन वर्ब यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी, इसको हम लिखते हैं मेन वर्ब। तो इस तरह ये फॉर्मेट कंप्लीट होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज एम आर प्लस नॉट ये नेगेटिव के साइन के लिए प्लस मेन वर्ब यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी एंड ऑब्जेक्ट। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई से ही शुरू करेंगे, आई एम नॉट ड्रिंकिंग टी, इसका मीनिंग बनता है मैं चाय नहीं पी रहा हूँ, यानी कि मैं चाय नहीं पी रहा हूँ। इसमें हम देख सकते हैं सबसे पहले जो सब्जेक्ट आया वो आई आया और आई के साथ हम यूज़ करते हैं एम का, ये हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया, फिर नॉट जो कि नेगेटिव के लिए यूज़ किया है, ड्रिंकिंग यानी कि हमारी मेन वर्ब है ड्रिंक और उसके साथ आई एन जी लग गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आई एन जी, ड्रिंक से बना
ड्रिंकिंग और ऑब्जेक्ट आ गया टी। तो इस तरह सेंटेंस कंप्लीट होता है, आई एम नॉट ड्रिंकिंग टी, मैं चाय नहीं पी रहा हूँ। और एक एग्जाम्पल देखते हैं, यू आर नॉट जंपिंग ऑन द रूफ। इसका मतलब बनता है आप छत पर नहीं कूद रहे हैं। इसमें हम देख रहे हैं सब्जेक्ट हमारे पास है यू, और यू जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल ग्रुप का सब्जेक्ट है, और इसीलिए प्लूरल ग्रुप के साथ हमें आर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। तो यहाँ पर हमने वही किया, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब लिया आर, उसके बाद नॉट जो कि नेगेटिव का है फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, प्लस जंप यानी कि जंप हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, उसके साथ आईएनजी का यूज़ किया, जंपिंग बन गया ऑन द रूफ, रूफ हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और एक एग्जांपल देखते हैं, रवि इज नॉट रीडिंग द बुक। इसका मीनिंग हुआ रवि किताब नहीं पढ़ रहा है। इसमें हम देखते हैं रवि जो कि एक नेम है, हम यहां देखते हैं नेम एक सिंगुलर नाउन है यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब इज़ का यूज़ करते हैं। तो रवि के साथ हमने इज़ का यूज़ किया, नॉट हमारा फॉर्मेट के अकॉर्डिंग नेगेटिव के लिए, रीडिंग यानी कि रीड प्लस आईएनजी, रीडिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, रीडिंग द बुक ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह सेंटेंस कंप्लीट होता है, रवि इज़ नॉट रीडिंग द बुक, रवि किताब नहीं पढ़ रहा है। तो इस तरह ये नेगेटिव के सेंटेंसेस हैं जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं जिसके अंदर नहीं का यूज़ होता है। तो इन एग्जांपल्स को आप ध्यान से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो आज हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के दो पार्ट सीखे, एफर्मेटिव और नेगेटिव, इनके फॉर्मेट्स को समझा, इनके एग्जांपल्स देखे। अब आप इन इसी तरीके के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कीजिए, फॉर्मेट्स को समझकर याद रखने की कोशिश कीजिए, और अगली वीडियो में हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, इसके बाकी के पार्ट्स को समझेंगे। तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ।